हेलो गाइस एंड वेलकम टू अर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने पार्टिसिपेट किया है आर्टिस्टिक दीपांकर भैया के इस आर्ट कंपटीशन में। तो इस आर्ट कंपटीशन का जो रेफरेंस फ़ोटो है वो है ये, और ये जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको आर्टिस्टिक दीपांकर भैया ने ही खुद मॉडिफाई किया है, जो कि दिखने में काफ़ी मस्त है। तो इसी को मैं आज ड्रॉ करूँगा, और मैंने जो इसका आउटलाइन है उसको ड्रॉ कर लिया है, तो दिखाता हूँ मैं आपको आउटलाइन। तो ऐसा आउटलाइन बनाए कुछ तो रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से ठीक ही बना है। तो आज मैं करूँगा इसका शेडिंग, और शेडिंग का ट्यूटोरियल भी दूंगा आपको। अगर आपको ये इसका आउटलाइन का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो आप इस आई बटन पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है कैसे ड्रॉ करते हैं आउटलाइन को। तो मैं अभी करूँगा शेडिंग, तो आपको पूरा बताऊँगा शेडिंग कैसे करते हैं, पूरा ट्यूटोरियल दूँगा और पार्ट वाइज आएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर शेडिंग के लिए यूज़ करूँगा इस पेंसिल का। तो अगर आपके पास जो कोई सा भी पेंसिल आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका भी यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, एक एक हिसाब से किया ही नहीं हूँ अभी तक, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा पेंसिल है। तो ऐसा कुछ है ये पेंसिल, 12 शेड्स है इसमें, तो काफ़ी इजी होगा हमको शेडिंग करने में और काफ़ी स्मूथ भी है। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ ईयरबड, और जो आउटलाइन के समय जो मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया था उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा, एक बेस लेयर हमारा क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे HB पेंसिल से जो डार्कर एरिया है थोड़ा सा वहाँ पे मैं शेड कर दूंगा, जिससे हमारे जो लाइन्स है वो प्रॉपरली हमको विजिबल हो जाए और हम उसके बाद वहाँ से और आगे शेडिंग कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा हम डार्क शेडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना हाईलाइट नहीं है, सीधा डार्क प्यूपिल है तो उतना हमको करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो डार्क एरिया था उसको फ़ोटो से ऑब्ज़र्व करके अच्छे से डार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ईयरबड से जो बेस लेयर होता है उसको क्रिएट कर दूंगा, जिससे हम इसके ऊपर अगर शेडिंग करेंगे तो एकदम स्मूथ होगा, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पैचेस नहीं आएंगे उसमें बीच में। तो यहाँ पे मैं फिर से HB पेंसिल ले रहा हूँ, और जिस तरफ से लाइट आ रहा है उधर मैं लाइट शेडिंग करूँगा, और जिस तरफ से मतलब लाइट नहीं आ रहा है, अपोजिट साइड है लाइट का, वहाँ पे मैं डार्क शेडिंग कर दूँगा। यहाँ पे जो लाइट का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा हेड के पोर्शन से है, ऊपर से है, तो यहाँ पे बहुत सारा जो अजीत सिंह ने जो गॉगल्स पहने हैं उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारा हाईलाइट शेडोज़ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आपको ध्यान से फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करके बनाना है, नहीं तो जो आपका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे हाईलाइट एंड शेडो का वो ठीक से प्रॉपर मैच नहीं हो पाएगा, आपका फ़ोटो एकदम कार्टून दिखेगा। तो इसी हिसाब से करना है आपको। और वैसे जहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया है वहाँ पे आपको सीधा ही 10B पेंसिल से डार्क नहीं कर देना है, उससे क्या होगा आपका जो पेपर है वो भी डैमेज होगा, और वहाँ पे जो आप इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आपको लेयर वाइज लेयर काम करना है, जिससे आपका जो ट्रांसपेरेंसी है फ़ोटो में या फिर जो इफ़ेक्ट आप लाना चाहते हैं वो आप आ पाएगा अच्छे से। आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ का जो आई के साइड वाला पार्ट है उसको, और यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर पहले अप्लाई करूँगा। देखिए, मैं अभी लेयर वाइज ही कर रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, तभी आपका अच्छे से रिजल्ट आ पाएगा। और कहीं आपको कहीं पे ही शेडिंग करना है, कहीं पे शेडिंग को स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपको फ़ोटो को एक बार ज़रूर देखना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं कहीं पे ही शेडिंग करने से पहले बहुत बार फ़ोटो को देखता हूँ, उसको अच्छे से देखता हूँ कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे शेडो है, तो उसी हिसाब से मैं भी शेडिंग करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। तो देखिए, अभी मैं फोरहेड को बना रहा हूँ, और फोरहेड में आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट लेयर दे देना है अच्छे से, और उसके बाद आपको उसको टिश्यू पेपर से स्मूथ ब्लेंड कर देना है, जिससे कि क्या होगा आपका बेस लेयर अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद आप एकदम नॉर्मल नॉर्मल शेडिंग करेंगे तो आपका फिर भी अच्छे से रिजल्ट आएगा, स्मूथ रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही मैं कैप में भी किया, पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई किया और वहाँ पे मैं कैप में हल्का सा स्ट्रोक्स भी डाला हूँ, मोनो 00 से भी वहाँ पे मैं स्ट्रोक्स को डाला हूँ, जिससे थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखेगा। यहाँ पे गाइस, नोज़ में मैंने क्या किया था कि जो हाइलाइटेड एरिया था उसको मैंने शेडिंग नहीं किया था, उसके साइड साइड एरिया में मैंने फर्स्ट लेयर किया, उसके बाद मैं ऐसे ही स्मूथ शेडिंग के साथ वहाँ पे शेडिंग किया, उसके बाद ब्लेंडिंग किया, फिर शेडिंग किया, फिर ब्लेंडिंग किया, तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया, एक यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग हो पाया मेरे से। तो गाइस, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मोस्टैचे, और यहाँ पे मैंने 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया, उससे मैंने मोस्टैचे के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाया पहले, उसके बाद उसको ब्लेंड करके 0.7 mm के मैकेनिकल पेंसिल से सेकेंड लेयर अप्लाई किया, थोड़ा सा डार्क शेडिंग के साथ,
और उसके बाद मैं सीधा 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और उससे मैं यहाँ पे बियर्ड के डायरेक्शन में शेडिंग करूँगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर का भी अप्लाई करूँगा। और गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टेचे को ड्रॉ करते करते आप इतना डार्क ना कर दे कि आपका जो हेयर का डायरेक्शन है वही पता ना चले। और यही प्रोसेस मैं अप्लाई करूँगा बियर्ड को बनाने में, लेकिन मोस्टेचे में हमको जो स्ट्रोक्स लगाना था वो सीधा सीधा था, लेकिन यहाँ पे हमको तो हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा डालना है। मेरा मतलब यह है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी शेप में डालना है स्ट्रोक्स। तो ऐसे ही मैं 0.7 mm के मैकेनिकल पेंसिल से पहले जो स्ट्रोक्स था उसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा ही 10B पेंसिल का यूज़ किया हूँ, और उससे भी मैं उसी डायरेक्शन में शेडिंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मेरा बियर्ड बन चुका है, और आपको भी ऐसे ही बनाना है मेरे प्रोसेस को देख के। और गाइज अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टीथ को, और ये इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड पार्ट होता है। तो यहाँ पे जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसके मैं अपोजिट साइड में हल्का सा शेडिंग करूँगा, आपको पूरा डार्क नहीं कर देना वरना वो टीथ नहीं लगेगा। और उसके नीचे में मैं आप यहाँ पे करूँगा पूरा डार्क शेडिंग, जैसे कि हमारा जो टीथ है वो काफ़ी उभर के आएगा क्योंकि वाइट टीथ होता है, और उसके नीचे डार्क डालने से वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है मेरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख के, तो इसीलिए मैं ये ट्यूटोरियल बनाया हूँ। और सेकेंड पार्ट में मैं आप यहाँ पे जो स्मॉल फेस है उसको ड्रॉ करूँगा और पूरे बैकग्राउंड को ड्रॉ करूँगा, तो वो पार्ट भी देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, देखने मिलेगा। मैं होप करता तो गाइस यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस ड्राइंग का वो कंप्लीट हो चुका है, और आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड बाय।